हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस विद में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 10th क्लास का चैप्टर 5 हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 5.2। तो ठीक है स्टूडेंट, बने रहिए हमारे साथ। और इस एक्सरसाइज को देखने से पहले जिस स्टूडेंट ने हमारी चैप्टर 5 की 5.1 वीडियो नहीं देखी, एक्सरसाइज नहीं देखी, उसके क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको क्या समझ आने वाली है। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं चैप्टर 5.2 का कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चैप्टर है भैया हमारा 5, ठीक है, और एक्सरसाइज है 5.2। पहले चैप्टर है हमारा, है ना, समांतर श्रेणी। ठीक है, ब्लैक पेन से डालते हैं, डालना। चैप्टर 5, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एपी। ठीक है स्टूडेंट, और जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है वो है 5.2। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, क्या है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मतलब होता है यहां पर एनवा पद, ए एन क्या होता है यहां पर एनवा पद, एन बराबर होता है यहां पर क्या एनवा पद, और ए हमारे पास होता है, आपको बताया है पहले भी, क्या होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद, और एन बराबर होता है हमारे पर पदों की संख्या, क्या बच्चों पदों की संख्या। ठीक है, और डी की बात करते हैं, डी हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस है, क्या है सार्वन्तर, क्या बच्चों सार्वन्तर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एनेट टर्म बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं एनेट टर्म, है ना, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और ये है वही कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब भाई एन एपी का नंबर, जैसे हमारे पास कोई भी एपी है ना, जैसे हमें दे दिया 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश, और यहाँ पे दे दिया 20। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद हमारे पास क्या है ए। अगर बात करते हैं हम कॉमन डिफरेंस की डी की, है ना, तो डी क्या कर दो इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 4, में से अगर 2 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा डी, डी कितना हो जाएगा 2, तो कॉमन डिफरेंस ऐसे निकाल लेते हैं हम। ठीक है, और जो लास्ट टर्म होती है इसको बोलते हैं हम एपी का एनवा पद, क्या बोलते हैं इसको हम एपी का एनवा पद। ठीक है, और बात रहेगी किसकी भैया एन की, तो एपी में मतलब यहां से लेके यहां तक जितने भी टर्म्स होगी उनको क्या बोलते हैं हम एपी का वो पदों की संख्या, है ना, उसको क्या बोलते हैं एन। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 2 से लेकर 20 तक है ना, तो इसके बाद कितनी टर्म्स होगी हमें पता नहीं, पर हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि इनके बीच में कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, क्योंकि पूरा 2 का टेबल है, तो है ना, तो कितना है, तो इसमें कितने टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स 10, तो ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इस फॉर्मूले के बेसिक पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है, और समझने से पहले जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, कैसे कहाँ कहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है, उसको हम देखते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं हम इसे मिटा देते हैं ना, तो
तो हमारे पास है भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। यहाँ पे क्या है, कुछ खाली स्थान छूटे हुए हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, हमें भरना है, ठीक है। जहां एपी का प्रथम पद ए, सारांतर डी और एनवा पद हमें क्या है, ए एन गिवन है। मतलब कहीं पे हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन दे रखा है, ठीक है। तो सारी कंडीशंस में हमें कितने फाइव पार्ट इसमें दे रखे हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसमें तीन टर्म हमें दे रखी है और फोर टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसमें भी ऐसे ये कितनी है, ये तीन टर्म्स हमें दे रखी है, एक टर्म हमें निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से करेंगे समझते हुए, ठीक है स्टूडेंट। तो भाई पहला पार्ट लेके चलते हैं, ना क्या करते हैं आंसर, है ना, सॉल्यूशन। फर्स्ट का है ना, तो हमने क्या करा भाई, फर्स्ट पार्ट ए की वैल्यू कितनी है, सेवन। तो हमने क्या लिखा, ए की वैल्यू कितनी है भाई, सेवन। डी की वैल्यू कितनी है, थ्री। तो डी की वैल्यू भी हमने लिख दी यहाँ पे, थ्री। और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एट। और हमें क्या चाहिए, ए एन, ठीक स्टूडेंट, क्या चाहिए हमें, ए एन। तो भाई हमें पता है कि ये सारी टर्म्स किस में होती है, क्योंकि ए एन क्या है, एनवा पद है। एनवा पद का हमने फॉर्मूला पढ़ा है भी, कौन सा है, यहाँ लिखेंगे एपी का एनवा पद। क्या बच्चों, एपी का एनवा पद क्या है, फॉर्मूला अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो क्या भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एट। तो इसका मतलब यहाँ पे एन की जगह कौन आएगा भाई, एट, ठीक है। प्लस ए, ए की वैल्यू देखो यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है, सेवन। प्लस एन माइनस वन, एन, एन की वैल्यू कितनी है, एट माइनस वन। डी, डी कितना है, थ्री, ठीक है स्टूडेंट। अब सेवन तो एज इट इज, प्लस एट में से वन माइनस करो कितना बचेगा भाई, सेवन इंटू कितना, थ्री। ये सेवन एज इट इज, सात या इक्कीस है ना, इसमें से ऐड कर दो कितना होगा, ये ट्वेंटी एट। तो ए एट की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ट्वेंटी एट। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा यहाँ पे, ट्वेंटी एट। अब बात करते हैं किसके, हम इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट के सोल्यूशन में देखते हैं, क्या देखते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 18। डी की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के 18। डी की वैल्यू क्या करनी है हमें, फाइंड करनी है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू 10, और भाई एन की वैल्यू कितनी है, जीरो। एन की वैल्यू कितनी है, जीरो, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें करना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, डी की वैल्यू, किसकी निकालनी है, डी की। तो भाई फॉर्मूला था वही है ना हमारे पास, एनवा पद, क्या एनवा पद, किसका, एपी का, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जीरो। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के 18 प्लस एन, एन हमारे पास कितना है, 10 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 18 है ना माइनस का, इधर जाके क्या हो जाएगा भाई, प्लस का, ठीक है। और 10 में से गया कितना बचा, 9, तो ये आ जाएगा 9D, ठीक है। हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 9 इसके अपॉन में, यहाँ पे कितना बचेगा, डी। और 9 1 जा 9, 9 2 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 2। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है स्टूडेंट, कितनी आएगी, 2। अब लेके चलते हैं इसका कौन सा पार्ट भाई, थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी बराबर कितना है हमारे पास, डी बराबर है भाई माइनस के 3, ठीक है। एन इजकल टू कितना है, 18। एन इजकल टू कितना है, 18, ठीक है भाई। और ए एन बराबर कितना है, माइनस 5। ए एन बराबर कितना है, माइनस 5। और हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एपी का एनवा पद,
ये हमारे पास फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया ना तो इसके जितने भी आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना सारे बहुत क्या होंगे आसान होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए बड़े प्यार से समझना है भाई, है ना। तो देखो ए एन की वैल्यू कितनी है, माइनस के फाइव इजकल टू ए। ए की वैल्यू कितनी है पता नहीं भाई, क्योंकि हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। एन एन की वैल्यू कितनी है 18, माइनस वन। डी डी की वैल्यू कितनी है माइनस के थ्री, माइनस फाइव एज इट इज। हमें तो ए की वैल्यू चाहिए ये एज इट इज। अरे भाई 18 में से गया कितना बचा 17, और ये माइनस थ्री इसकी मल्टीप्लाई में, माइनस फाइव एज इट इज ए बी एज इट इज प्लस 17 * 51। अरे देखो प्लस और ये माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 17 * 51। ये 51 इधर जाके क्या हो जाएगा भाई प्लस, क्या हो जाएगा 51 इधर जाके प्लस, और ये कितना बचा यहाँ पे एक, तो माइनस प्लस माइनस है ना, तो कितने बचे भाई 46। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस, तो ए की वैल्यू आ गई भाई कितनी 46। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद कौन सा पार्ट है हमारे पास, फोर पार्ट। फोर पार्ट में हमें क्या दिया है, ए की वैल्यू दे दी माइनस के 18 पॉइंट, किसकी वैल्यू है भाई ये ए की वैल्यू माइनस के 18.9। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.5, तो हमने यहाँ पे लिख लिया भाई 2.5। ठीक है, और एन हमें फाइंड करना है, एन हमें क्या करना है फाइंड करना है, और भाई हमारे पास किसकी वैल्यू है ए एन की, एन की वैल्यू है 3.6। कितनी है 3.6। अब फिर वही है एपी का एन वापद, एपी का एन वह पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.6, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 18.9 प्लस एन, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है ना, माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू देखो आप कितनी होगी हमारे पास, डी की वैल्यू 2.5। ठीक है, ये 9.5 इधर, ये 18.9 इधर क्या है माइनस का, तो इधर जाके आ जाएगा प्लस का एज इट इज। इसकी ने इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे ही एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। अब इसमें ने क्या कर दो, इसे ऐड कर दो पहले, 6 और 9 कितना होगा भाई 15 का 5 कैरी 1, 18 * 3 = 21 और 1 = 22, है ना। अरे इसकी मल्टीप्लाई में 2.5 ये कहाँ चला जाएगा इसके अपॉन में, ये हो जाएगा एन माइनस वन। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अगर 25 ऐसे काट दो आप कितना बचेगा, है नहीं 25 से हम इसे काटते हैं भाई, कहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे आ जाएगा ना, एक सेकेंड। ठीक है, ऐसे काटो देखो 5 * 20, 5 * 25 और ये भी 5 * 25, 5 से हमने काट दिया इसमें। ठीक है भाई एन माइनस वन, 5 * 45 है ना, ये काट दिया हमने एन माइनस वन, ये वन इधर जाके क्या हो गया भाई प्लस हो गया, ये बचा एन, और एन बराबर कितना आ गया ये 10। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया एन इजकल टू 10। अब इसका हमारे पास एक पार्ट हो रहा है लास्ट। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 3.5, डी की वैल्यू है हमारे पास कितनी 0, ए सॉरी एन की वैल्यू कितनी 105, और हमें क्या करना है एन हमें क्या करना है स्टूडेंट फाइंड करना है, क्या करना है भाई फाइंड। तो वही है भाई एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, तो क्या होता है एपी का एनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 3.5, ए प्लस एन एन कितना है भाई 105, एन कितना है 105 माइनस वन। डी डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो हमने यहाँ पे क्या रखा 0, तो 3.5 तो एज इट इज है ना। अरे देखो कितना बचा 104, इसकी इसमें गुणा करेंगे क्या 0 आ जाएगा ना, तो सारा कितना हो जाएगा भाई ए प्लस 0 3.5, तो जो ए की वैल्यू आई है वन कितनी आई है भाई 3.5, क्योंकि 0 का तुम कुछ कर नहीं सकते है ना, तो 0 प्लस ए ए। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे इसी के बेस पर होने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे यहाँ पे इसने क्या
एन भी निकलवा लिया है, डी भी निकलवा लिया है, ए भी निकलवा लिया है, एन भी निकलवा लिया है और ए एन भी निकलवा लिया है। ठीक है स्टूडेंट, पर भाई ये क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हो चुका है, क्योंकि जो ये वैल्यू थी हमारे पास है किसकी वैल्यू थी, इस पर भाई ध्यान नहीं दिया हमने। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू है ए की, है ना। इसको क्या करते हैं, दोबारा करते हैं मैं ना, एक सेकंड, इस पे भाई ध्यान नहीं दिया है ना, क्योंकि हमें ए एन चाहिए, यहाँ से पता लगाना है ए एन, पर हमने निकाल लेते हैं यहाँ पे एन, सॉरी आ रहा है ए, ए की वैल्यू कितनी है भाई, 3.5 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 105 माइनस 1, डी, डी की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो ये 3.5 एज इट इज प्लस कितना बचा भाई, ये तो इसकी इसमें मल्टी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 0, यानी कितना आ जाएगा, 0। तो ए एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3.5। ठीक है, क्योंकि 104 बचेगा, 104 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और 3.5 में अगर 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3.5। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो भाई इसकी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।